इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का 64वां मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर करो या मरो के मैच में दिल्ली कैपिटल की टीम का मुकाबला पंजाब किंग्स से हुआ। आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए दोनों ही टीमों को इस मैच में 2 अंक की दरकार थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैच में 17 रनों से जीत हासिल कर इस सीजन पहली बार लगातार 2 मैच में जीत हासिल करने का कारनामा किया। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को मैच में हराकर इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में 17 रनों से जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बना ली है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 179 का स्कोर बनाया था। लो स्कोर को बचाना मुश्किल था, लेकिन दिल्ली के बॉलर्स ने धमाल मचा दिया। पंजाब किंग्स 20 ओवर में सिर्फ 142 रन ही बना पाई। 17 रनों की इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स के 14 पॉइंट हो गए हैं। वहीं अगर पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की बात करें तो गुजरात टाइटंस पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। लड़ाई बाकी 3 स्थानों के लिए है। राजस्थान और लखनऊ के 16-16 पॉइंट हैं। ऐसे में इन दोनों टीमों का पहुंचना पक्का माना जा रहा है, जबकि चौथे स्थान के लिए आरसीबी दिल्ली में मुख्य लड़ाई है, जिनके 14-14 पॉइंट हैं। पंजाब किंग्स को इस मैच में तेज शुरुआत मिली थी, लेकिन टीम उसका फायदा नहीं उठा पाई। जॉनी बेस्टो ने 28 रनों की तेज पारी खेली, साथ ही शिखर धवन ने 19 रन बनाए, लेकिन 38 के स्कोर पर जैसे ही पहला विकेट गिरा उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। दिल्ली कैपिटल्स की इस मैच में काफ़ी बुरी शुरुआत हुई, क्योंकि इस मैच की पहली बॉल पर डेविड वार्नर आउट हो गए। वार्नर के जाने के बाद सरफराज खान और मिचेल मार्शल ने पारी को संभाला और धुआंधार पारी खेली। मिचेल मार्शल ने एक बार फिर दिल्ली के लिए धमाका किया और 48 बॉल में 63 रनों की पारी खेली। इस दौरान मार्श ने 4 चौके और 3 छक्के जमाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।